देखते होंगे वो लोग या वो सुनते हैं, उन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, और इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। आज हमने पढ़ना है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है जी, इसमें इशारा उर्दू में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, दिस दैट तो दीज दोस, जैसे दिस बुक दैट रजिस्टर, ठीक है, दोज मार्कर्स दोज बॉयज, तो ये सारे का सारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये सारे के सारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट्स अर नाउन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी से बुलाती है कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। This is a good idea. अच्छा, demonstrative pronoun की पहचान क्या होती है? ये शुरू में beginning में लग गया है। This is a good idea. This is a good idea. ठीक है? तो ये this जो है ये demonstrative pronoun है, ठीक है? इसके बाद अगर verb आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि this, that, these, those जो है ये demonstrative pronouns हैं। लेकिन इसके बाद अगर noun आ रहा है जैसे idea बाद में आ गया है, ठीक है? तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, यही दिस जो है ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह दैट इज हिज बुक, यहां पे जो इज है ये वर्ब है, इसके बाद वर्ब आ गया तो ये बन गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर यहां नाउन आ गया, इसके बाद बुक आ गया, नाउन आ गया, तो ये फिर यही दैट जो है आपसे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे दिस इज हिज बुक, तो यहां नाउन वर्ब आ गया तो दैट इज हिज बुक, यहाँ वर्ब आ गया तो ये दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट बुक इज हिज, तो यहाँ पे नाउन आ गया तो यही दैट जो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो जो इसके अड़ोस पड़ोस में अल्फाज होते हैं, जो इसके नेबर में अल्फाज होते हैं, आप ये कहते हैं कि सराउंडिंग वर्ड्स जो इसके होते हैं, इसके गिर्दनुमा में जो अल्फाज होते हैं, उनसे इनकी डेफिनेशन बदल जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये लड़का जो है ये बिल्कुल अलग थलग बैठा हुआ है, तो ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरे लड़के के साथ बैठा हुआ है तो ये बन जाएगा फेलो, डेफिनेशन बदल गई क्योंकि दूसरे के साथ बैठा हुआ है तो फेलो बन गया, ठीक है। इसी तरह इन अल्फाज की डेफिनेशन भी तब्दील हो जाती है, बाद में वर्ब आ गया तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया, और अगर बाद में नाउन आ गया तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है जी। और इसी के साथ ही इसको खत्म करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।